हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल नाउ इट्स टाइम स्टडी टू कंप्यूटर प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस लेसन नंबर एट राइट सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर लेसन नंबर एट एंड अदर टॉपिक्स लेट स्टार्ट द टॉपिक नेम इज एडिंग आइटम्स एट रन टाइम रन टाइम कैसे शो होता है आइटम्स कैन बी एडिड एट रन टाइम यूजिंग द एड मेथड सिंटेक्स लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम एट टेक्सट ये इनकी सिंटेक्स है कि लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम डॉट एड ओके उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है एग्जाम्पल राइट्लेन आइटम्स क्रिएट एन इंटरफेसिंग बाय एडिंग अ लिस्ट बॉक्स विथ इन आइटम लिस्ट इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हम लिस्ट बॉक्स है इस तरफ का है ना ये देखो ये लिस्ट है हमारा तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम का जो लिस्ट है वो लिस्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर सकते है एट रन टाइम टाइप द क्या करना है क्या को लिखा है, है यहाँ पे देखो कि प्राइवेट सब फॉर्म वन लोड सेंडर ये जो है वो इन बिल्ट आता है फिर है लिस्ट बॉक्स वन आइटम्स डॉट एड इसके अंदर क्या माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो टू थाउजेंड सिक्सटीन ये जो हमने है वो मैसेज पास किया है यस एंड सब तो ये जो क्या है कि एक्सिक्यूट द प्रोग्राम टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट जो हमने लिस्ट में जो जो डाला था है ना तो ये यहाँ पे आ गया फिर ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो हमने प्रोग्राम के द्वारा डाला था उसके अंदर वो भी यहाँ पे इसके अंदर शो हो गया नेक्स्ट डिलीटिंग आइटम फ्रॉम लिस्ट बॉक्स लिस्ट बॉक्स के अंदर से हमें डिलीट आइटम करनी है तो कैसे करेंगे We can also delete an item from list box to delete item at design time. Simply open this string collection editor and delete the items line by line or all at once using the delete key. To delete an item at runtime, remove method is used. Syntax the conkey list box. वन डॉट आइटम डॉट रिमूव नेम ऑफ द आइटम यानी कि हमें लिस्ट बॉक्स के अंदर जो भी नाम है वो हमें रिमूव करना है कोई भी आइटम है वो रिमूव करनी है तो हम यहाँ से कर सकेंगे ये yes, इनकी ये सिस्टम ये सिंटेक्स है एग्जाम्पल राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिंक फॉर एग्जाम्पल क्या देखो यहाँ पे तीन था है ना तो यहाँ से दो हो गया क्योंकि एक लिस्ट में से हमें रिमूव कर दिया इंटरफेस बाय एडिंग लिस्ट बॉक्स इन अंदर क्रिएट करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं टाइप दिमूव वाला कोड डालना पड़ेगा ओके नेक्स्ट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट आउटपुट देखो है ना हमने रिमूव किया तो एक ही बचाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट एंड प्रोग्राम टू डिलीट एन आइटम बाई द यूजर यानी कि हम यूजर है ये yes, बनाने वाले तो उसके अंदर हम डिलीट आइटम करना है तो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं क्रिएट एन इंटरफेस बाय एडिंग अ अ लिस्ट लिस्ट बॉक्स एन आइटम बटन क्या है कि ये बटन एक डाला है यहाँ पे देखो बटन करके है बटन वन यस yes, तो इसके अंदर हम क्या सकते अट, कर सकते हैं एट आइटम को एड कर सकते हैं टाइप द फॉलोइंग कोड इसके अंदर भी हमें फॉलोइंग कोड करना है कि माई आइटम है ना इनपुट बॉक्स एंटर यो आइटम योर डिलीशन लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम डॉट रिमूव माई आइटम यानी कि आपको कोई भी एक आइटम डिलीट करनी है तो हमें ये वाला कोड इसके अंदर लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट द प्रोग्राम टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट अब हमें क्या करना है एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को येस yes, तो हम क्या करेंगे देखो ये इंटर यो यहाँ पे हमें डिलीशन करना है तो हम ओके okay करेंगे तो ये जो हमने सिलेक्ट किया था वो है वो डिलीट हो जाएगा